जनपद फिरोजाबाद के नगर पंचायत मखनपुर द्वारा शहर विकास कार्य नहीं करने पर जनता काफी परेशान है। कई कार्य योजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन अध्यक्ष तथा अधिशासी अधिकारी की मनमानी तथा लापरवाही से जनता काफी परेशान है। इस संबंध में सबसे बड़ी लापरवाही जेईई नगर पंचायत मखनपुर की है। शहर में कई योजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन जेई द्वारा कभी मौके पर नहीं देखा। अधिकारियों की वजह से ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। शहर में जिन योजनाओं पर काम चल रहा है वो निम्न प्रकार हैं: अटल बिहारी वाजपेयी पार्क, जो 7 से 8 महीने से काम नहीं हुआ; सब्जी मंडी नाला, जो 1 साल से दूसरे नाले से नहीं जोड़ा गया है; पानी की निकासी नहीं होने पर जनता परेशान है; नगर पंचायत कार्यालय को जाने वाली सड़क, डॉक्टर एस के अरुण वाली सड़क, जिसको कई महीने हो गए लेकिन सड़क नहीं बनी; बिल्टीगढ़ चौराहे से बैंक ऑफ इंडिया तक सड़क चौड़ीकरण, जिसे कई महीने हो गए, सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ; ताला वाली सड़क, जो 2 साल से अधिक समय हो गया, सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। नगर पंचायत कार्यालय तथा जेई एवं ठेकेदार की मनमानी तथा लापरवाही से जनता परेशान है। समस्या के संबंध में जनता कार्यालय जाती है तो संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। अधिशासी अधिकारी की मनमानी तथा लापरवाही से विकास कार्य नहीं होने से अधिशासी अधिकारी को हटाकर दूसरे अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जिससे जनता लाभ ले सके। मेरा नाम डॉक्टर एस के अरुण, चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी चेयरमैन मक्खन। क्या समस्या तुम्हारी गली क्यों नहीं पूरी हो पा रही है? सर, हमारे मोहल्ले में बहुत बड़ी समस्या है। जो सड़क का टेंडर पास किया था, जो पूर्व चेयरमैन वो पीओ साहब थे जो एक्सपायर हो गए, जिनका एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, उन्होंने टेंडर पास किया था। तो वो जो टेंडर पास हुआ था फरवरी में, और पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पूरा एक मतलब 6-7 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। जो टेंडर पास हुआ था उसका आधा अधूरा काम मेरे घर तक हो पाया है, और उससे आगे जो बाजिद के मकान से लेकर और उनके अकील के घर तक अभी सड़क नहीं बन पाई है। क्या बहुत समस्या है। अधिकारियों को आपको अवगत कराया तो दोबारा इस बात के लिए? जी, कई बार सब लोग, मोहल्ले के कई लोग, समाज के कई लोग और हम सब लोग मिलकर जाते हैं, ईओ साहब से निवेदन करते हैं, और वहाँ के कर्मचारी भी बताते हैं, चेयरमैन महोदय भी बताते हैं, लेकिन कोई हम लोगों को सुनवाई नहीं होती है। कह रहे जब पैसा आएगा तो बना देंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। कोई संतुष्ट जवाब नहीं देते हैं? जी, कोई संतुष्ट जवाब नहीं देते हैं। और भी काम बताए जाते हैं, मक्का में अधूरे डले हुए हैं, क्या सब काम जो काम शुरुआत हुए थे सारे काम थोड़े थोड़े करके डाल दिए, कहीं कोई काम पूरा नहीं हो रहा और ना कोई सुनवाई हो रही है। जनता जाती है, सबसे निवेदन करती है। ईओ साहब मिलते नहीं है ऑफिस में? ये बहुत कम मिलते हैं, कभी कभार जाओ तो मिल जाते हैं, पहले पूछना पड़ता है ईओ साहब कहाँ मिलेंगे, तो पता चल जाता है कि यहाँ नहीं है, जाओ तो कोई मुलाकात नहीं हो पाती है। नगर अध्यक्ष पंचायत गीता देवी, उनसे क्या कहती हैं? उनसे मुलाकात ही नहीं होती, मैं तो कई बार गया, हमें कभी नहीं मिली। सीट खाली रहती है उनकी? जी बिल्कुल खाली सीट रहती है। उनके जो प्रतिनिधि है, उनके पति महोदय जी, वो कभी कभार बैठे मिल जाते हैं, मैं तो कई बार गया, मुझे कभी नहीं मिली आज तक। ओके। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।